अब बात उस छोटी सी लड़की की जिसका बचपन गुजरा मथुरा के पास के एक गांव में। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने की वजह से हो गई अनाथ। जीवन में था संघर्ष, लेकिन सपना एक दिन उसने देखना शुरू कर दिया कि वो एक दिन नामचीन सिंगर बन गई है। इस बच्ची का नाम था उमा, उमा देवी, जिन्हें बाद में हम टुनटुन के नाम से जानने लगे। टुनटुन जी के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी परवरिश उनके चाचा ने की। उस जमाने में लड़कियों को शिक्षा देने का रिवाज तो ज़्यादा हुआ नहीं करता था, तो ना स्कूल था ना पाठशाला थी, जिसकी वजह से टुनटुन जी का सारा दिन उछल कूद, नीम के पेड़ों पर चढ़कर खेलने और गुलाम डंडा खेलने में और घंटों रेडियो पर गाने सुनकर बीतने में चला जाया करता था। रेडियो पर गाने सुनने के दौरान जब वो अनाउंसमेंट सुनती, गायक गायिकाओं का नाम सुनती, संगीतकारों का नाम सुनती, तो उसे भी लगता कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा है जिसे बाहर आ जाना ज़रूरी है। छोटी बच्ची थी, वो भी कुछ ऐसा करे कि उसका नाम रोशन हो, सिंगर बन जाए। एक छोटे से गांव में रहने वाली सिर्फ 8 साल की लड़की के लिए ये सपना सच करना बहुत ही मुश्किल काम था। सो उमा देवी ने संगीत में रुचि बढ़ाई और रियाज कैसे किया, सुनिए गांव में होने वाली रामलीला, उसके गीत, रेडियो पर आने वाली फिल्मों के गीतों को ही प्रेरणा का स्रोत बनाकर गाने का रियाज करना 8 साल की बच्ची ने शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ना और लिखना भी खुद सीख लिया। फिर पता चल गया कि गांव में रहकर मंजिल नहीं मिलने वाली। अब किस्मत देखिए कि उमा देवी की एक दोस्त शादी के बाद दिल्ली से वापस गांव आई। उमा ने अपनी सहेली को दिल की बात कही। ये सहेली पढ़ी लिखी थी और संयोग से बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एक दो लोगों को जानती भी थी। उसने अपने एक डायरेक्टर मित्र को खत लिखकर टुनटुन के हवाले कर दिया और इस तरह उमा देवी बन गई टुनटुन और बन गई एक सिंगर। पहले गीत के लिए उन्हें 100 रुपये दिए गए थे और उसके बाद उनका काम चल पड़ा और उनका गाया हुआ एक गीत तो बहुत ही मशहूर हो गया, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। शम्मी कपूर ने ऐसा क्या कर डाला कि जिस नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को रिजेक्ट कर दिया था, अब उसी नासिर हुसैन ने शम्मी कपूर को बना दिया तुमसा नहीं देखा का हीरो। ये किस्सा बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।